ये तस्वीरें हैं भागलपुर की। एक तरफ शरबत पिलाई जा रही है तो दूसरे तरफ पान मसाला खिलाया जा रहा है। हद तो ये है कि ये पान मसाला छोटे छोटे बच्चों को भी बांटा जा रहा है, उन बच्चों को जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे और वो अपने दांतों तले नशे की पुड़िया चबा रहे हैं। बता दें कि एक तरफ बिहार सरकार राज्य को नशा मुक्त करना चाहती है और दूसरी तरफ खुलेआम बच्चों को नशे का शिकार ये फर्जी कंपनियां बनाने में जुटी है, जिसकी एक झलक भागलपुर में भी देखने को मिली। मौका था मां भगवती की प्रतिमा विसर्जन का। इस दौरान कोतवाली चौक के समीप गुटखा कंपनी के प्रचार धारक छोटे छोटे मासूम बच्चों को नशे का जहर बांट रहा है। जब जहर बांटने वाले से सवाल किया गया तो पहले तो वो डर से स्वीकार ही नहीं करता है, वो नशे की पुड़िया बांट रहा है, लेकिन बाद में जब स्वीकार करता है तो कहता है कि हम बच्चों को नहीं दे रहे। शरबत पिला रहे हैं, हम तो शरबत पिला रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं, आपको देख रहे हैं ना, शरबत पिला रहे हैं, महक में कंटिन्यू है और उसके साथ पुड़िया भी मतलब फ्री कर रहे हैं, दे रहे हैं। सैंपल है, इतनी तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सरकार तो इस पे रोक लगा रही है, आप जो इसमें इसको छोटे बच्चे से लेकर के सबको लत लगा रहे हैं। बच्चों को किसी को नहीं दिया गया, ये वीडियो तो बना हुआ है कि भाई छोटे छोटे बच्चे भी आप दे रहे हैं, दिए हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, जहाँ तक आपने खुद देखा है उनको डाटा किया है, भगाया है। बात जो हमारा मेन काम है शरबत का, अभी भी चल रहा है। नहीं नहीं शरबत तो है, लेकिन साथ साथ इसका भी तो प्रचार आप कर रहे हैं। आप हम शरबत पे लगे हुए हैं, शरबत ये हमारा प्रचार कोई माध्यम नहीं, हमारा है कि आज जो हम मेला में सेवा कर सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ सरकार नशा मुक्त अभियान के तहत कयास लगाए बैठी है कि अपना बिहार नशा मुक्त हो, लेकिन खुलेआम बच्चों और बड़ों के बीच गुटखा कंपनी जहर फैला रही है। मेले के दौरान बच्चों के बीच गुटखा बांटे जाने के क्रम में इसकी पड़ताल की गई। प्रचार कर रहे शख्स ने बताया कि कंपनी के द्वारा प्रचार करने के लिए दी गई है। कौन सा पुड़िया है? मैं खुड़िया है। ये क्या ये मार्केट में नया आया है क्या? नहीं बता सकते, अभी आया ही लोग लेकर के, हम लोग बांट रहे हैं। कौन लेकर आया है? यही सब जो स्टॉल लगाया है। लेकिन क्या वाकई इस तरह की हरकत सही है? यह तो प्रशासन को तय करना है और इस पर कितनी सख्ती से पुलिस कार्रवाई करती है ये भी उन्हें ही तय करना है। देशवा न्यूज के लिए भागलपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।